हेलो मित्रों, ये देख लो आयसर है, आयसर 551। इसे देखो पीछे से कोई, यहाँ पर जो टोपलिंग लगती है ना, ये वाले, ये थोड़ा यहाँ पर देखो आप, ये देखो ये कितनी प्ले है इसमें, आप देख सकते हैं इजीली घूम रहा है दोनों। तो क्या करता है, इसे ठीक करने के लिए ये बाहर निकालते हैं, हम ये खोलते हैं, ये खोलने के लिए यहाँ पर एक वो क्या है, वो बीज वाली पिन आएगी, यहाँ निकालो, यहाँ ये डंडी आप यहाँ से बाहर निकालो, एक एलन की बोल्ट, एक इधर है, एक इधर, ये करी तीन और नीचे की ओर, चारों एलन की बोल्ट खोल लेते हैं। यानी कि ये जो है ना कप वाला हिस्सा, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सेंसिंग होता है ना हाइड्रोलिक, कभी भी कल्टी लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ, तो सेंसिंग नहीं होता, सेंसिंग नहीं होने का कारण यही है, इसमें प्ले हो गई है। तो अच्छा मित्रों, पहले मैं ये बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर निकालने के बाद दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या और खराबी हो गई। अच्छा देख लो मित्रों, ये नया सामान आ गया, ये पुराना, यानी कि एक एक आपको मैं दिखाता हूँ आपको सही से। पहले तो ये जो कप जो बोलते हैं ना कप, ये पुराना, ये नया कप, और इनकी प्राइस में मैं आपको दिखाता हूँ, 305 रुपये। देख लो ये कप है, मैं तो उसे बाहर निकाल के भी आपको दिखाऊँ, पहले मैं आपको सही से दिखाऊँ, ये कप हो गया। अच्छा ये स्प्रिंग जो अंदर से निकलती है, स्प्रिंग, तो ये रही स्प्रिंग जो अंदर की ओर है, और इनकी प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो 200 रुपये, यानी कि स्प्रिंग हो गई, दोनों स्प्रिंग है, दोनों कप, ये दोनों कप हो गए। अब अंदर का जो कप आता छोटा, जो वॉशर बोलते हैं, ये रहा होल्डर जो बोलते हैं ना, वो ये रहा होल्डर अंदर का, और इनकी प्राइस भी मैं आपको सही से दिखाता हूँ, 203 रुपये। ये रहा होल्डर, ये पुराना होल्डर, ये नया, यानी कि दो होल्डर। अब हो गए ये बोल्ट, जो एलन की बोल्ट जो आते हैं ना, ये पुराना है, ये नए है, सेट ही आता है, और इनकी प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूँ, 102 रुपये। अच्छा ये भी हो गया, और जो आगे की ओर जो कप रखते हैं वहीं पर आते हैं, ऐसे में जो बोलते हैं, इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखाऊँ, 238 रुपये है। और ये जो सेंसिंग करता है ना पीछे से, जो हम अंदर का जो ये लंबा वाला बोल्ट है ये साइड में, और ये भी, इनकी प्राइस है 677 रुपये। यानी कि ये पूरा सा अब देख सकते हो नया माल, जो ये पुराना है, ये पुराना है, यहाँ वेल्डिंग करके लगाया हुआ है, और ये हमने नया मंगवाया है, पूरा सेट आता है, यानी कि आप देख सकते हो अब पूरा नया सेट हम लाए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं जल्दी से फिट करता हूँ, फिट करने में कोई है नहीं, किस तरह से फिट होता मैं एक सेट आपको दिखाता हूँ। देखो मित्र किस तरह से फिट होता मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये कप देखो, ये कप मैं यहाँ पर आप लोगों रखे, ये कप रखा मैंने, इनके अंदर एक स्प्रिंग आएगी, ये वाली स्प्रिंग रखी थी, ये कप के अंदर रखेंगे इस तरह से, और इनके अंदर ये वाला जो डिस्टन जो बोलते हैं, ये अंदर की ओर, ये हो गया ये कप के, और यहाँ पर ये एलन की बोल्ट, ये ऐसे ये हो गया, देखो हो गया। अब ये जो कप है, ये कप इनके अंदर आएगा, ये जो देखो से है ना, तो मैं आपको थोड़ा अकेला हूँ इसलिए दिखा, ये इस तरह ऐसे ये हो गया। देखो अब इसे यहाँ पर
एक मैंने एक की रखा है दोनों, यहाँ पर ऐसे ये ए ये डाल दिया और ये ऊपर की ओर यहाँ पर नट रखेंगे और वैसे यानी कि एक साइज मैंने लगा दी, ये दूसरा भी इधर है तो मैं दोनों लगा के इसी तरह लगता है अंदर एलन की बोल्ट जो होता है ना यहाँ पर वो भी मैं कस के आपको दिखाऊंगा कितना कसना है कि नहीं बच्चा। तो मैं पहले ये लगाता हूँ, देखो ये मैंने लगा लिया ये नट बच्चा, ये कितना टाइट होना चाहिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला कप जो है अंदर एलन की बोल्ट लगेगा नीचे की ओर यहाँ पर, लेकिन एलन की बोल्ट को कुछ नहीं करने का, ऊपर से ये वाला हिस्सा थोड़ा इतना पकड़ो दे, ये वाला हिस्सा देखो ये कप जो है ना ये दोनों कप हाथों से घूमना चाहिए यहाँ देखो समझ गए इजीली, ये हाथों से घूमना चाहिए दोनों कप इसी तरह जो ये घूमता है ना इसी तरह ये हाथों से घूमना पड़े इतना ही टाइट रखने का, ज्यादा टाइट कसने का नहीं कि एलन की बोल्ट है इधर रख के ऐसे कसो नहीं, यहाँ पर ये जो ये नट लगाई हमने अच्छा ये नट ज्यादा अंदर चली जाए तो क्या करें अंदर की ओर कोई वाइस वॉशर रखने का वॉशर रखो, क्योंकि वॉशर रखने से क्या होता है यहाँ पर जो होल दिया होते हैं वाटर पिन लगाने के लिए यानी कि नट आपो आप ये जो सेंसिंग होता है ना जब खेत में चलता है तो सेंसिंग होता है, ऐसे सेंसिंग होने से ये ऐसा होता है तो नट कभी कभी नट भी खुल जाती है और किसी को मालूम नहीं होता। अच्छा अब ये हो गया देखो, अब इसे यहाँ पर ऐसे बिठाने का, लेकिन खास याद रखने का ये वाला हिस्सा जो है ये पिन वाला हिस्सा ये फ्री होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो टाइट होता है और इसी हिसाब से यहाँ भी तकलीफ होती है, ये फ्री होना पड़े। अच्छा मित्रों ये हो गया, अब मैं पूरे का पूरा सेट यहाँ पर जो चारों बोल्ट यहाँ दोनों क्वार्टर पिन ये वाला सेंसिंग का जो डंडी होती है वो सब कुछ लगाने के बाद आपको सही से मैं दिखाता हूँ। देख लो मित्रों आपके सामने मैंने ये लगा लिया सब कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वार्टर पिन भी लगा लिए है कम्प्लीटली हो गया यहाँ पर ये लो ये। अच्छा मित्रों यहाँ पर थोड़ा निप्पल लगा के ग्रीस करने का यानी कि ये सेंसिंग करना यहाँ से शुरू। अच्छा मित्रों देख लो ये ट्रैक्टर का काम मैंने पूरा कर लिया है, अब आप लोग क्या करने का, जिस लोग ने लाइक नहीं किया वो लाइक दे दो, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार, और जितना हो सके इतना ज़्यादा शेयर करो। अच्छा मित्रों अब हम नए टॉपिक पे नया वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते, धन्यवाद।